दोस्तों, मैंने आपसे कई बार वादा किया था कि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है उसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर के आपको दो हर्डल्स दिख रहे हैं और इसके चारों तरफ एक वाइट कलर से बाउंड्री क्रिएट की गई है। अब ये जो महिला यहाँ पे आपको दिख रही हैं, लेडीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, ये इनको इस हर्डल के अंदर से अपनी स्कूटी घुमानी है और घुमा के पहले एस बनाना है और फिर वापस दूसरी साइड से लगभग एक एट की शेप क्रिएट करनी है और इनकी स्कूटी का जो टायर है वो कहीं भी इस वाइट वाले हर्डल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, वो आपको समझा देता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है और जो मोटर लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इनको स्कूटी इतनी बड़ी जगह में घुमा सकते हैं या नहीं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये महिला लेके इस स्कूटी को चलेगी। जो पहले वाला हर्डल है उसके राइट साइड से निकालेंगे और जो आगे वाला है उसके लेफ्ट साइड से होके वापिस से इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में निकलना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ और आप जान जाएंगे ये पास होती हैं या फेल, क्या होता है रियल में। हालांकि ये महिला देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में आप सब समझ जाएंगे। अभी स्कूटी लेके चले हैं यहाँ से, तो इनको इनके बीच से इधर घुमाना है, ये देखिए। और अब वापस इनको घुमाना था अपने राइट साइड पे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी और पैर टिका लिया और ये स्कूटी हो गई इनकी सीधी। अब फिर से इनको राइट घुमाना है, लेकिन अगर ये जो टायर है आगे वाला, अगर ये वाइट कलर पे आया तो समझो फेल है, और ये इनका वाइट कलर पे आया ही नहीं, इससे बाहर भी निकल गया, तो अब ये फेल है क्योंकि रिकॉर्डिंग में ये चीज़ आ चुकी है। अब दिया जाता है 1 हफ्ते का टाइम के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वीक आना है आप, और आपकी फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और आप तब ट्रायल देंगे कि आप कितना स्कूटी को मनूवर कर सकते हैं या टू व्हीलर को मनूवर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी कोई बंदा अपना बाइक का टेस्ट दे रहा है। आप खुद सोचिए दोस्तों, जिस लेडी से, महिला से इतने बड़े गैप के अंदर भी स्कूटी नहीं घुमाई जा रही है, वो ट्रैफिक के अंदर कैसे चला सकेगी अपनी बाइक को या अपनी स्कूटी को। और कई स्टेट्स में, आप बताइएगा आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इस तरह टेस्ट होता है कि दलाल पैसे खा पी के यार पता नहीं कैसे कैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करा देते हैं। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो यही है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपना टेस्ट दीजिए। और कायदा तो यही कहता है दोस्तों कि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आपको रोड के ऊपर अपनी बाइक स्कूटी या गाड़ी लेके नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मैं टू व्हीलर ही दिखा पा रहा हूँ आपको, टू व्हीलर वालों का कैसे टेस्ट होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए जल्दी ही फोर व्हीलर से रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊँगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी और बहुत ही छोटी सी चीज़ थी जिसको कंप्लीट करना होता है। अपना जो फिजिकल टेस्ट है, ये फिजिकल या प्रैक्टिकल आप बोल सकते हैं, इसमें टेस्ट देना होता है कि हम अच्छे से इतनी जगह में गाड़ी घुमा सकते हैं। लेकिन कोई बंदा इसको भी नहीं कर पा रहा है, वो ट्रैफिक में ले जाके अपनी बाइक का गाड़ी का क्या करेगा या दूसरों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है दोस्तों। और ये भाई साहब पूरे मूंछ बना के अपना निकल चुके हैं, अभी नेक्स्ट बाइक वाला आएगा, इसको देखते हैं ये पास होता है या यहाँ पे फेल होता है। तो यहाँ पे ये महिला देखिए, ये स्कूटी लेके चली हैं और इनको सेम हर्डल बनाना है, बट ये दूसरी डायरेक्शन से बना रही हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका जो नेक्स्ट या आगे वाला जो व्हील है, जो इनके आगे की तरफ है, वो कहीं भी वाइट कलर की लाइन पे टच नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये वाइट कलर को टच करेगा तो समझ लीजिए ये फेल हो जाएंगी। और यहाँ पे इन्होंने, मेरे ख्याल यहाँ से हमें वाइट कलर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा और ध्यान से देखिए, तो मेरे को तो लगता है ये फेल हो गई हैं क्योंकि इनकी स्कूटी वाइट कलर के बाहर से यू टर्न ली है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ टेस्ट होता है हर जगह लगभग लगभग, अगर लॉजिकली चलें या बिल्कुल ही नियमों से चलें तो इसी तरह का टेस्ट होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल टेस्ट कैसा होता है जब किसी ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आप जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं फोर व्हीलर का भी टेस्ट का वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा दोस्तों। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय।